परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान ट्रस्ट व किड्स केयर कॉन्वेंट के तत्वाधान में आयोजित समर्पण सम्मान समारोह 2021 में साहित्य, समाज सेवा, खेल में अतुलनीय योगदान हेतु 5 विभूतियों को परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रकाश, सचिव व किड्स केयर कॉन्वेंट के निदेशक विनय कुमार व ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष व विद्यालय की प्राचार्य नूतन कुमारी के द्वारा सम्मानित किया गया। समर्पण सम्मान का अर्पण समाज सेवा के लिए जिला आइकन डॉक्टर आशुतोष कुमार, मानव चिकित्सा के क्षेत्र में समर्पित डॉक्टर रजनीश कुमार, मगही भाषा उत्थान, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मगही कवि उमेश प्रसाद, पर्वतारोही अर्चना सिन्हा एवं सामाजिक उत्थान हेतु वीरेंद्र कुमार को श्रीफल स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, तुलसी का पौधा और अंग वस्त्र से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि संजीव कुमार मुकेश ने किया। अध्यक्षता ट्रस्ट के संरक्षक रामेश्वर प्रसाद ने किया। आगत अतिथियों के सम्मान में किड्स केयर कॉन्वेंट की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विनय कुमार ने कहा कि समर्पण सम्मान का आयोजन समाज के उन विभूतियों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया है, धन्यवाद। ज्ञापन महादेव मैरिज हॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषभ राज ने किया। कार्यक्रम अखाड़ा पर स्थित महादेव मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में नामी गिरामी कवियों द्वारा कविता पाठ भी किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत संचालन करते संजीव कुमार मुकेश ने माँ की महत्ता को वर्णित करते हुए अपने गीत जीवन के हर शब्द शब्द अक्षर अक्षर में माँ, माँ ही गीता वेद रामायण वाणी स्वर में माँ से किया। जबकि कवि सम्मेलन में उदय शंकर शर्मा, हास्य कवि रंजीत दूधू ने अपने चिर परिचित अंदाज में हम जीव हूँ चिड़िया खाना के सहित कई रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। दिल्ली से आए कवि कुमार नवीन गौरव ने बिहार की महिमा का बखान अपने गीत में किया। वरिष्ठ कवि उमेश ने मगध की महिमा से लबालब अपना प्रसिद्ध गीत मगह के माटी में लह ले धान है सुन गुरैया, जेकर नामी मगही पान के सुन गुरैया श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध कवि जयराम देवसपुरी सहित कई अन्य प्रसिद्ध कवियों के काव्य पाठ ने भी श्रोताओं को गुदगुदाया और जन चेतना भी जागृत किया। ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष नूतन कुमारी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम को कोरोना के नियमों के अनुरूप मास्क, सैनिटाइजर एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर किया गया था। क्या उद्देश्य आज परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान ट्रस्ट एवं किड्स केयर कॉन्वेंट के तत्वाधान में समर्पण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे विभूति हैं जिन्हें लोग जान नहीं रहे हैं और वो देश सेवा में लगे हुए हैं, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए हैं देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। हमारा ट्रस्ट का यही उद्देश्य है कि इन विभूतियों को इस सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित करें और सम्मानित होने के बाद हमारे जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं वो इनसे सीख लें कि हम भी इस तरह के कार्य करें कि हम भी उस मंच तक पहुंच पाएँ। ये मेरा मेन उद्देश्य है और हमारा ट्रस्ट का जो कार्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य चल रहा है। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से अभी 2 विद्यालय संचालित है, एक किड्स केयर कॉन्वेंट और एक ऑफिस सेंट्रल स्कूल भी है। ये दोनों विद्यालय शिक्षा में अलग जगा रहा है और इस ट्रस्ट का भी नाम रोशन कर रहा है। और इस ट्रस्ट का जो उद्देश्य रहा है सिर्फ शिक्षा में अलग जगाना ही, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना भी इसका उद्देश्य रहा है। सरकारी नीति के अनुसार 25% बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना है। उसके साथ ही साथ हमारा ट्रस्ट के माध्यम से जो भी विद्यालय संचालित है उसमें 5% बच्चों को मुफ्त शिक्षा हमारा ट्रस्ट वहन करता है और उसे मुफ्त शिक्षा दिया जाता है जिससे गरीब और नीचे तबके के लोग शिक्षा ग्रहण कर पाए। हमारा नाम विनय कुमार है और हम इस ट्रस्ट के सचिव हैं। आज सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया है, इस समर्पण सम्मान समारोह 2021 के तहत चयनित किया गया लोगों में सबसे पहले आशुतोष कुमार मानव जी हैं जो कि हिलसा से आते हैं। उन्होंने बहुत ही सामाजिक कार्य किया है, वो आप लोग को भी पता है, पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। उसके बाद हम लोग उमेश जी को सम्मानित कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, ये साहित्य के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ रजनीश कुमार चिकित्सक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉक्टर रजनीश जी का पटना में क्लिनिक है, वो गरीब
तबके के लोगों को में सेवा दे रहे हैं, इसलिए हमारा ट्रस्ट उन्हें भी सम्मानित कर रहा है। साथ ही साथ अभी अर्पणा सिन्हा जो कि ऊंची शिखर पर अपने ध्वज को फहरा के आई है, नालंदा की बेटी है, इसलिए अर्पणा सिन्हा को पर्वतारोही के रूप में उन्हें सम्मानित कर रही है। एक छत्तीसगढ़ से हमारे अतिथि आए हुए हैं जिन्हें भी हमारा ट्रस्ट सम्मानित कर रहा है, जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है। ये सामाजिक उत्थान के लिए काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा ट्रस्ट इन्हें भी सम्मानित कर रहा है। In the age we live, knowledge is the power. At RPS School provides smart classes along with live classes facilities. Every day, rejoicing of life and discovery with big area campus. RPS School affiliated to CBSE New Delhi. Located at first branch Bihar Sharif Kachhari Road and second branch Makanpur Kola Road. The first generation learner from nursery to 12th, we make children to sign. Students grow with holistic formation inclusive of physical, mental, emotional and spiritual endeavors with thousands of knowledgeable books. A green and clean campus, well-planned infrastructure, well-equipped and spacious laboratories. Computer labs with a lot of computer systems, big playground for sports, buzzing with live art and crafts and cultural activities. Well maintained and hygienic hostel facility, conceptual transportation to reach the unreachable children. Write the future of your child in rightness with RPS School. RPS School is bounded on promises, the promise of delivering the knowledge along with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com।